जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो शांत रहना और धैर्य रखना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से कैसे कुंडली के दुर्योगों को दूर किया जा सकता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा जी? दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:44 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 10:23 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कुंडली में जो दुर्योग होते हैं उनको कैसे आप भगवान शिव की कृपा से सावन के महीने में विशेष पूजा उपासना करके दूर कर सकते हैं। पंडित जी, केमद्रुम योग क्या होता है और भगवान शिव की पूजा करने से कैसे इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी कुंडली के दुर्योगों को, अशुभ योगों को समाप्त कर सकते हैं या उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम केमद्रुम योग की बात करते हैं। केमद्रुम योग क्या होता है और सावन में इसकी समस्या को कैसे दूर करें? देखिए, केमद्रुम योग जो है ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर योग है, सबसे ज्यादा निगेटिव योग है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो आम तौर पर केमद्रुम योग बन जाता है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो और ज्यादा खतरनाक होता है। चंद्रमा के दोनों तरफ आगे और पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो इसको हम केमद्रुम योग कहेंगे। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ये व्यक्ति को मानसिक बीमारी देता है, अवसाद यानी डिप्रेशन देता है, और बहुत ज्यादा निगेटिव है तो पागलपन की स्थितियां देता है। यानी अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो मानसिक पीड़ा का, मानसिक कष्ट का और मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ये मन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और मन को बुरी तरह खराब करता है। ये योग होने पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आदमी को घोर दरिद्रता का, बहुत सारे पैसे रुपयों की मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। यानी अगर कुंडली में केमद्रुम योग बन गया तो आपकी मानसिक परीक्षा भी होगी
और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी, आर्थिक रूप से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है या वो चंद्रमा को देख रहा है, तब काफी हद तक केमद्रुम का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन होता फिर भी है। और अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो मन को लेके आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और धन को लेके पैसे रुपए को लेकर भी आपके जीवन में मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो सावन में उसे कैसे समाप्त करेंगे? अपनी माता और स्त्रियों का निरंतर सम्मान करें, सावन में ही नहीं, हर समय हर वक्त अपने माता और स्त्रियों का सम्मान करें। सावन में भगवान शिव का दुग्ध से यानी दूध से कम एक बार, दो बार, तीन बार अभिषेक करवाएं, और सावन में जितने बार संभव हो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। रुद्राभिषेक सावन में एक बार, दो बार या ज्यादा बार करवा लें, और पूरे सावन में जितने भी दिन बचे हैं निरंतर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने गले में एक चांदी की चेन जरूर धारण करिएगा सावन के महीने में। किसी भी सोमवार को अपने गले में एक चांदी की चेन पहन लीजिएगा। अगर आप ये उपाय सावन में कर लें तो केमद्रुम योग का प्रभाव बहुत हद तक आपके जीवन से कम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, काम की अधिकता से परेशानी होगी, चोट चपेट से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम पंडित जी से समझ रहे हैं कि सावन के महीने में कैसे शिव उपासना करके आप अपने कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, कुंडली में एक दोष होता है विष योग, इसे कैसे भगवान शिव की पूजा उपासना करें हम सावन में कि विष योग का प्रभाव समाप्त हो जाए। ज्योतिष में एक और दुर्योग है जिसे कहते हैं विष योग। विष योग होता क्या है और सावन में इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग विष योग है। कैसे बनता है? ज्यादातर शनि चंद्रमा से बनता है विष योग। शनि चंद्रमा के एक साथ होने पर या चंद्र पर शनि की दृष्टि होने पर, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि शनि राहु का संबंध होने पर विष योग जैसी स्थितियां बन जाती हैं। विष योग का जैसा नाम है, ये जीवन में विष पैदा करता है, जीवन में जहर घोल देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति नशे की आदत का शिकार होता है। आम तौर पर ऐसे लोग बहुत नशा करते हैं, दुष्चरित्र और अनैतिक हो जाते हैं, कभी कभी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी होते हैं और आम तौर पर गलत रास्ते पर जाना, गलत काम करना, अनैतिक काम करना, दूसरों को कष्ट देना, ये इनकी आदत हो जाती है। और अपराध में चले गए या कोई बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो गई, उससे जूझ रहे हैं, या जीवन में एकदम आइसोलेशन में चले गए, एकदम अकेले हो गए और जीवन जीना मुश्किल हो गया, ऐसी कठिनाइयां विष योग जीवन में पैदा कर देता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग है, इसे भंग कैसे करेंगे? देखिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सावन में भी और सावन के अलावा भी। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और रोज सुबह दो पत्ते तुलसी के ग्रहण करिए। पूरे सावन में जितने दिन आपको मौका मिले रुद्राष्टक का पाठ करिएगा। पूरे सावन भर रुद्राष्टक का पाठ करना आपके लिए उत्तम होगा। और सावन में भगवान शिव को भांग और धतूरा, ये विष के समान होता है, ये विष वाली वनस्पतियां भांग और धतूरा पूरे सावन में शिव जी को अर्पित करें। जितने ज्यादा से ज्यादा दिन अर्पित करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और सावन में एक रुद्राक्ष की माला ले लें, उसे गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें और शिवलिंग पर स्पर्श करा के अपने गले में धारण कर लें। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला पहन लें और अधिक से अधिक रुद्राष्टक का पाठ करें। विष योग का जो नकारात्मक प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव भंग हो जाएगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, विवाह आपका तय हो सकता है, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो सावन के महीने में शिव उपासना करके आप उसे दूर कर सकते हैं, उससे राहत पा सकते हैं। पंडित जी, एक योग होता है ग्रहण योग, अगर किसी की कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है तो वो सावन के महीने में कैसे शिव जी की पूजा करें, क्या उपाय करें कि इससे उन्हें लाभ हो, ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त हो? ग्रहण योग के बारे में बात करते हैं। ग्रहण योग क्या होता है और ये बनता कैसे है, सावन में इसे कैसे शांत करें? अगर आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध बन जाए, राहु सूर्य हो जाएं या राहु चंद्रमा हो जाएं, तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। ये कुंडली में जिस जगह पर बनता है उस सुख को नष्ट कर देता है। अगर लग्न में बन गया स्वास्थ्य को नष्ट करेगा, नवम में बन गया ईश्वर की कृपा को नष्ट करेगा, दशम में बन गया करियर को नष्ट करेगा। यानी ग्रहण योग जहां पर और जिस भाव में बनता है उस सुख को नष्ट कर देता है। जैसा इसका नाम ग्रहण है, अगर ये कुंडली में बनता है तो व्यक्ति की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, व्यक्ति के जीवन में ग्रहण आ जाता है। और ग्रहण अगर कुंडली में लग गया या बन गया तो कुंडली के शुभ योग बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। जैसे ग्रहण योग होने पर सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आता, चंद्र ग्रहण होने पे चंद्र का प्रकाश नहीं आता, वैसे ही कुंडली में ग्रहण योग होने पर जो कुंडली के शुभ प्रभाव हैं वो जीवन में नहीं आते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो उससे निपटने के लिए सावन में क्या करें? सावन में जितने भी सोमवार बाकी हैं हर सोमवार को एक उपवास रखिएगा। लगभग तीन सोमवार बाकी हैं, तीनों सोमवार को उपवास रखिए और
रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करिए, डेली मॉर्निंग एक लोटा जल आप अपने घर से भर कर के ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें, और जितना संभव हो पूरे सावन में शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का सुबह और शाम पाठ करें। अगर पंचाक्षरी स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नमः शिवाय सुबह और शाम जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए उत्तम होगा। और सावन के अलावा भी आप जितनी ज़्यादा शिव जी की पूजा करेंगे, जितना ज़्यादा शिव जी को जल अर्पित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कल्याण होगा। और जल अर्पित करते रहने से ग्रहण योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है वो हम जानेंगे। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न भूमिका तंवर जी ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं। 24 नवंबर 2006 12:51 दोपहर में फरीदाबाद। ये कह रही हैं कि किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में मेरा जाना बेहतर होगा। भूमिका आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, टेक्निकल पढ़ाई करें, खास तौर से कंप्यूटर्स की पढ़ाई करें, तो उसके परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। और दूसरा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप प्रशासनिक सेवा में या गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकती हैं। कुंडली आपकी बहुत बेहतर है। अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में बुधवार की शाम को धारण करें, आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, और वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है,
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की रुकावट दूर होगी, संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव कीजिए, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय ना तो भोजन करना चाहिए ना सोना चाहिए, ऐसा क्यों? सूर्यास्त के समय भोजन करना और सोना मना होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय जो तरंगे होती हैं प्रकृति की वो आध्यात्मिक तरंगे होती हैं, इसलिए उस समय पूजा उपासना करना, प्रार्थना करना ज़्यादा अच्छा होता है। सूर्यास्त के समय ही भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसीलिए इस समय को ऐसा मानते हैं कि इस समय अगर आप सोते हैं या भोजन करते हैं तो आपकी आयु कम होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आध्यात्मिक तरंगों के होने की वजह से इस समय पूजा करना श्रेष्ठ है, भोजन करना और सोना मना है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में बदलाव हो सकता है, दबाव बढ़ सकता है, अभी परिवर्तन से बचाव करिएगा वरना मुश्किल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 3, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, विवाह आपका तय हो सकता है। नंबर 7, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर 8, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में माता गौरी को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपकी विवाह संबंधी कैसी भी समस्या हो उन समस्याओं में स्थितियों में सुधार होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लाल मसूर की दाल के 1-2 दाने खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास लाल फूल रख करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आज डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, काम की रुकावटें दूर होंगी और मन अच्छा रहेगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं और करियर में समस्या आ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।